इस वक्त लाहौर से 3 कोर्ट किया के रुक गई है हमारे। जर्मनी की पावर है ये, जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए की पावर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ मुल्तान के रेलवे स्टेशन पर। हमारी गाड़ी है आज 129 अप थल एक्सप्रेस। इसमें हम जाएंगे मुल्तान से कुंदिया तक। ब्रांच लाइन की गाड़ी है, मुल्तान से रावलपिंडी तक जाती है। और ये सामने पावर आ चुकी है और लोड प्लेस होने वाला है। तो आज की वीडियो ब्रांच लाइन वाले लोगों के लिए जो ब्रांच लाइन पर रहते हैं, स्टेशन टू स्टेशन स्टॉप करती है, पूरा एरिया कवर करती है। 7 बजे मुल्तान से चलती है और 3:05 कुंदिया का टाइम है। और ये अप में गाड़ी आई हुई है कराची से। 320 किलोमीटर सफ़र है हमारा, देखते हैं क्या कुछ होता है। लोकोमोटिव नंबर 8082 HBU20 अटैच हो चुका है गाड़ी के साथ। और देखते हैं ड्राइवर साहब अभी तक रनिंग रूम से तो नहीं आए थे, तो देखते हैं, टाइम भी कम है। जी जनाब, तो हमारी गाड़ी चल चुकी है 7 बजे राइट टाइम और ड्राइवर साहब मुझसे मिलते हुए आगे लोकोमोटिव पर चले गए। मैंने चार्ज लिया और फिर 7 बजे डिपार्चर हो चुका है। सफ़र की दुआ पढ़ते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। पहला स्टॉप आता है शेरशाह जंक्शन। असल कहानी शुरू होती है यहाँ से। शेरशाह जंक्शन से हमारी गाड़ी मुड़ जाती है ब्रांच लाइन को। शेरशाह से एक लाइन सीधी कराची को जाती है जो कि मेन लाइन है, अप डाउन डबल लाइन। और हमारी गाड़ी यहाँ से जाएगी सिंगल लाइन पर। और ये शेरशाह का खूबसूरत मौसम, वाह हा हा, क्या नज़ारे हैं, वाह जी वाह, माशाल्लाह। सारी गाड़ियाँ यहाँ से नॉन स्टॉप गुजर जाती हैं, लेकिन शेरशाह से क्योंकि ब्रांच लाइन को रास्ता निकलता है और ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर हमारी गाड़ी थल एक्सप्रेस और इसके अलावा महर एक्सप्रेस जो इसी रूट पर चलती है शाम 3:40 पर, उन दोनों के स्टॉप्स हैं। ये हम शेरशाह की तरफ आके शेरशाह से टर्न कर जाते हैं ब्रांच लाइन को, जबकि दूसरी गाड़ियाँ सीधा मेन लाइन पर नॉन स्टॉप निकल जाती हैं भावलपुर, खानपुर, रोड़ी और कराची। यहाँ से हमारी गाड़ी क्रॉस ओवर पे से पास होती हुई टर्न कर रही है ब्रांच लाइन को। ये पाकिस्तान की वसी और रीज ब्रांच लाइन ML2 का हिस्सा है और ये शेरशाह जंक्शन के बाद कोट अद्दू जंक्शन, जो कि आज हम अपनी वीडियो में भी देखेंगे, और उसके बाद कुंदिया, दाउदखेल, जंड, बसाल और अटक सिटी से होती हुई गाड़ी रावलपिंडी तक जाती है। तो जनाब अली, जंक्शन का मकसद होता है एक लाइन से दूसरी लाइन को अटैच करना ताकि वो दूसरे सिटी से अटैच हो सके। और हमारी गाड़ी अब ब्रांच लाइन पर चलना शुरू हो गई है और हमने शेरशाह जंक्शन को लीव कर दिया है। और ब्रांच लाइन पाकिस्तान में सिंगल लाइन ही हैं, सिर्फ मेन लाइन है जो डबल लाइन है। शेरशाह को ब्रांच लाइन से मिलाने वाला चनाब वेस्ट बैंक पर ये बना हुआ दरियाए रावी के ऊपर पुल है, जिसका बहुत अहम किरदार है रेलवे को इस लाइन से, इस सेक्शन से मिलाने के लिए। ये जो साइड से एक पुल एक और हमारे ट्रेन से नज़र आ रहा है कि ऊपर से गुज़र रहा है, कभी इसके ऊपर से ट्रैफिक गुज़रा करती थी जब साइड में अलग से ट्रैफिक के लिए ब्रिज नहीं हुआ करता था, तब इसी ब्रिज के ऊपर से ट्रैफिक और अंदर से ट्रेन गुज़रा करती थी, जो फिर बाद में अलग से ट्रैफिक के लिए डबल पुल बनने के बाद इसको डिसकनेक्ट कर दिया गया और अब इसमें से सिर्फ ट्रेन गुज़रा करती है। और स्पीड सिर्फ 15 किलोमीटर है, उसकी वजह यह भी हो सकती है कि इस ब्रिज की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी, और अगर ड्राइवर इसमें 15 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चले तो पुल को नुकसान पहुंच सकता है या फिर ट्रेन को भी नुकसान हो सकता है। तो भाई यार, स्पीड तो रेलवे की है, क्यों ना हम स्पीड बढ़ाएं और इसमें जल्दी से गुजर जाएं। पुल की लंबाई बहुत ज़्यादा और स्ट्रक्चर नहायत ही शानदार है, जो देखने वालों को महसूस कर देता है।
अपनी बनावट और खूबसूरती और मजबूती से। और ये जो ऊपर से ट्रैफिक ब्रिज गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, ये जब साथ में नया ब्रिज बना तो इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। क्या बात है, सारे ही लेट है, दो बार रुकवाइए गाड़ी। यहाँ कोई मुसाफिर रह गया था मुजफ्फरगढ़ में, 2 मिनट का स्टॉप है तो लोग लेट थे, जिन्हें अपने तौर पर हमने गाड़ी स्लो करवा ली ताकि वो बैठ जाएं, उनका टिकट ना ज़ाया हो जाए। स्टॉप नंबर 3 बुद्ध स्टेशन। ये वही बुद्ध है जिसको हम इंग्लिश में वेनिसडे कहते हैं, बुद्ध स्टेशन। और ये बच्चे कितने मज़े से ट्रेन देख रहे हैं, हाथ बांध के आगे पीछे अच्छी तरह कुछ बैठ के नज़ारे ले रहे हैं ट्रेन के। ऐसा बैठना भी खतरनाक साबित हो सकता है, यहाँ इन दो ही गाड़ियों के स्टॉप हैं, 2 अप और 2 डाउन, टोटल 4 ट्रेन्स। लाल पीर गाड़ी स्टॉप नहीं करती क्योंकि इसके बिल्कुल ही साथ है महमूदकोट रेलवे स्टेशन है, और ये 4 स्टेशन में से स्टेशन है जहाँ कोई गाड़ी स्टॉप नहीं करती। ये महमूदकोट का ऑयल यार्ड, जहाँ से ऑयल फिलिंग हो के चक पिराना रावलपिंडी के नज़दीक और तारकाबाद वगैरह मुख्तलिफ जगहों पर फ्यूल जाता है, और इसमें रेलवे का डीजल जो लाहौर डिवीज़न मुल्तान डिवीज़न में, वो भी यहीं से ही जाता है। तो महमूदकोट स्टेशन की बिल्डिंग बहुत प्यारी है, मुझे तो इस तरह की बिल्डिंग्स देखने का बहुत शौक है। ये जो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, इनकी बनावट और इनकी खूबसूरती क्या ही बात है। पांचवा स्टॉप आता है गुरमानी रेलवे स्टेशन पर। गुरमानी में भी कुछ खास रश तो नहीं होता पैसेंजर्स का। तो इसके बाद अगला स्टेशन आता है सनावा रेलवे स्टेशन। सनावा का स्टॉप नंबर 6 हो गया हमारा। 6 नंबर पे गाड़ी सनावा रुकती है, और ये कोई कॉलेज ग्रुप है जो फोटोग्राफी में लगा हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप कीप इट अप, कॉलेज ना जाओ बस फोटोग्राफी बनाओ। ये सनावा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, छोटी सी मगर बहुत प्यारी। हमारी गाड़ी इस वक्त पहुँच चुकी है कोट अद्दू जंक्शन। कोट अद्दू से डेरा गाजी खान और कश्मोर से होती हुई जाकर कनेक्ट करती है डायरेक्ट जैकबाबाद को। तो ये जंक्शन है, कभी इस लाइन पर भी खुशहाल खट्टक चला करती थी जो अभी तक बंद है। लैया बखर कुंदिया मियाँ वाली जंड गोल्डा शरीफ अटक सिटी से होती हुई रावलपिंडी तक जाती है। मुल्तान से कुंदिया तक हर स्टेशन को कवर करती हुई अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचती है। गाड़ी हमारी 5 मिनट रुककर कोटद्दू जंक्शन से चल पड़ी है, और यहाँ तक गाड़ी सिर्फ हमारी 10 मिनट लेट है, जबकि इस लाइन पर इस तरह का टाइम दिया हुआ है कि गाड़ी हर स्टेशन पर 5-10 मिनट लेट होकर भी राइट टाइम रहती है। तो कोशिश करनी चाहिए टाइम से पहले पहुँच जाएँ ताकि परेशानी से बचें। ये जो 7 उल्टे हाथ पर लाइन जा रही है लेफ्ट पर, आगे चल के मुड़ जाती है डेरा गाजी खान कश्मोर ब्रांच लाइन पर, और ये लाइन सीधा जैकबाबाद जाकर कनेक्ट होती है। इस लाइन पर खुशहाल एक्सप्रेस चला करती थी जो कराची से कोटरी बरास्ता 7 दादुलखाना, और जैकबाबाद से फिर टर्न टेबल होके इस लाइन पर कोट अद्दू आकर कनेक्ट हुआ करती थी, और वहां से फिर कोट अद्दू से दोबारा टर्न टेबल होकर इंजन अगली साइड पर लगता था। और ये गाड़ियां, और यहां से ये गाड़ी सीधा पूर्णिया से होती हुई अटक सिटी से पिशावर तक जाया करती थी। ये यहां से लाइन टर्न हो गई कश्मोर डेरा गाजी खान साइड पर। हमारा स्टॉप नंबर 8 हुआ है दायरा दीनपना। यहाँ पे गाड़ी 1 मिनट के लिए रुकती है। ब्रांच लाइन पर भी जब गाड़ी आती है तो रौनक होती है, उसके बाद पीछे ऐसे ही होता होगा जैसे कि रौनक मेला ख़त्म।
हमारा अगला स्टॉप हुआ है एहसानपुर, जिस पर भी एक मिनट का स्टॉप है। और इन स्टेशंस पर भी पैसेंजर्स की तादाद थोड़ी बहुत ही है, जो ज़्यादातर यहाँ से लोग सफ़र करते हैं अटक सिटी और रावलपिंडी। स्टॉप नंबर 10 है जम्मन शाह, जो कि टेम्प्रेरी स्टॉप है। डीएस मुल्तान ने कोई इंस्पेक्शन के दौरान इसको जगह दी थी गाड़ी रुकने की, और ये भी ट्रायल बेसिस पर है। अगर कामयाब हुआ तो इसको रेगुलर कर दिया जाएगा, नहीं तो इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। स्टॉप नंबर 11 हुआ लैया रेलवे स्टेशन पर, और लैया 5 मिनट का स्टॉप था। इस दौरान लगेज लोडिंग अनलोडिंग की वजह से मुझे कुछ सौ में नहीं बना सका, लेकिन मैंने स्टेशन ज़रूर कैप्चर कर लिया। लैया का स्टेशन भी बहुत प्यारा स्टेशन है, और कोल अड्डू के बाद लैया दूसरा स्टेशन है जहाँ पर गाड़ी 5 मिनट रुकती है। बारवां स्टॉप हुआ हमारा करोड़ रेलवे स्टेशन। करोड़ में 2 मिनट का स्टॉप है, और मुसाफिरों का भी काफ़ी रश नज़र आया है, और यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। सेक्शन की स्पीड 80 किलोमीटर है, और शाह आलम तक 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलती है, और शाह आलम से फिर कुनिया तक 30 किलोमीटर का परमानेंट ईआर लगी भी है, उसकी वजह ट्रैक और का कमज़ोर होना है। स्टॉप नंबर 13 हमारा हुआ है बिहल, यहाँ पर भी 1 मिनट का स्टॉप है। वीकेंड्स पर इन स्टेशन पर ज़्यादा रश होता है बनिस्बत आम डेज के, और आज हो सकता है बारिश की वजह से भी मुसाफिरों का रश कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है बखर। बखर 2 मिनट का स्टॉप है, और बखर के बाद आगे आता है दरिया खान। ज़्यादातर स्टेशन पर 1-1 मिनट का स्टॉप हैं, सिर्फ जो बड़े स्टेशन हैं उन पर 2 मिनट का स्टॉप है। तो आज अच्छी बात यह है कि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से डस्टिंग नहीं है, नहीं तो इस सेक्शन पर इतनी ज्यादा मिट्टी उड़ती है ऐसे लगता है कि जैसे मिट्टी में नहा के आए। आज हमारी कुछ किस्मत ही है कि बारिश हो रही है, जिस वजह से मिट्टी नहीं है, और मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा सा मौसम है। दरिया खान पहुंच चुकी है हमारी गाड़ी। गाड़ी तकरीबन राइट टाइम ही होती है। शेड बन रहा है मुसाफिरों के बैठने के लिए। इस लाइन पर क्रॉस होते हैं या वे होते हैं कुंडिया जंक्शन से कोयला लेकर गाड़ियां यूसुफ वाला कोल भी जाती हैं, और कराची से दाऊद खेल कोल भी चलती है जो दाऊद खेल तक जाती है। स्टॉप नंबर 16 हुआ है पंजग्राही रेलवे स्टेशन पर, और पंजग्राही पर तो लगता है कि कोई आने जाने वाला ही नहीं है। और इस स्टेशन पर दरख्त का व्यू भी सिनेमैटिक व्यू है, बारिश ने हर चीज़ को धोकर निखार दिया है। स्टॉप नंबर 17 ही हुआ है हमारा शाह आलम इस रेलवे स्टेशन पर। शाह आलम पर भी कुछ मुसाफिर नज़र आते हैं, और इन स्टेशंस पर क्योंकि दो गाड़ियां ही रुकती हैं अप डाउन, इसलिए अर्निंग के हिसाब से रेलवे तवज्जो देती है स्टेशंस पर। क्या ले जनाब की खैरियत? स्टॉप नंबर 18 हुआ है हमारा मेबल स्टेशन पर। मेबल स्टेशन पर स्टेशन का कोई अमला मौजूद नहीं है, लेकिन ये जिस तरह हॉल्ट होते हैं उस तरह से है। गाड़ी 1 मिनट रुकती है, ड्राइवर साहब मुसाफिर उतरते हैं, चढ़ते हैं, और गाड़ी दोबारा चल पड़ती है। जी yeah.
स्टॉप नंबर 19 हुआ है कलूर कोट रेलवे स्टेशन पर। कलूर कोट भी मुसाफिरों का रश नजर आता है और काफी तरह के मुसाफिर हैं जो चढ़ते उतरते हुए नजर आते हैं। यहाँ से कुंजी तक गाड़ी की स्पीड होती है 30 किलोमीटर, लेकिन कुछ नज़ारे ऐसे आते हैं कि असल पैसे तो इस वाइब के हैं। तो सुनिए और एंजॉय करिए। स्टॉप नंबर 20 हो गया हमारा पिपला रेलवे स्टेशन पर, और पिपला रुकती है तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्टेशन पर जो रश होता है उनमें सबसे टॉप पर पिपला रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर अलग ही रौनक होती है जब ट्रेन आती है। यहाँ पर भी एक शेड बन रहा है प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर्स के इंतज़ार करने के लिए। स्टॉप नंबर हमारा हो गया है 21 अल्लूवाली रेलवे स्टेशन पर। अल्लूवाली के बाद अगला स्टेशन आता है कुंडिया। अल्लूवाली पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं जो आपने देखी होगी। अच्छा जी, तो हमारी गाड़ी पहुंच गई है कुंडिया जंक्शन। राइट टाइम चल के राइट टाइम गाड़ी पहुंच गई है। 7 बजे चल के इसका 3 बजे का टाइम है। कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सकें। शुक्रिया।